नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सिंह। आप देख रहे हैं टेक मोगल्स चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस कैनन के पिग्मा Z3000 प्रिंटर को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास ये डेल का विंडो 10 लैपटॉप है और इस लैपटॉप से मैं अभी इस लैपटॉप के वाईफाई से इस प्रिंटर के वाईफाई को कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। वीडियो खत्म होने तक आपको ऑलमोस्ट स्टेप बाय स्टेप सारे डिटेल पता लग जाएंगे कि कैसे आप इस लैपटॉप में सीडी राइटर, सीडी जो इसके साथ एक जो सीडी आई है, वो सीडी आपको मैंने दिखाई थी अनबॉक्सिंग की वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में अनबॉक्सिंग का भी वीडियो है और कैसे सील्स वगैरह रिमूव करते हैं वो वीडियो भी है, वो भी आप देख लेना। कई सारे वीडियोस है, आई बटन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। इससे पहले मैंने दिखाया था कि आप अपने मोबाइल से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है तो आपको सारे लिंक्स ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और इस लैपटॉप से इस वाईफाई को वायरलेसली कनेक्ट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। दोस्तों, लैन से मैं कनेक्ट करके आपको नहीं दिखा रहा, यहाँ पे ये जो लैन केबल है इससे कनेक्ट करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये एक आसान सेटअप है। वायरलेसली कनेक्ट करना थोड़ा टिपिकल है। तो चलिए दोस्तों, लेके चलता हूँ मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आ गया हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा होगा, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। आपको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे इस लैपटॉप के ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, इस ड्राइवर इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको दो इम्पोर्टेंट बातें बता दूं कि ये मेरे पास विंडो 10 पीसी है। कौन सा पीसी है आप लिंक डिस्क्रिप्शन में माय यूट्यूब सेटअप में चेक कर सकते हैं। ये लैपटॉप है, सॉरी पीसी नहीं है। तो ये लैपटॉप अब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो आप एडमिन लॉगिन होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ये देखिए, मैं यहाँ डेल है, ये एडमिन है, या मैंने यूज़र बना रखा है। अगर आप यूज़र लॉगिन पे क्लिक करके करेंगे तो आपके ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे। दूसरा दोस्तों, आप अपने कैनन के पिग्मा Z3000 प्रिंटर को ऑन कर दीजिए, उसका वाईफाई ऑन होना चाहिए। और इस वाईफाई से ये जो प्रिंटर कैनन Z3000 सीरीज दिख रहा है, ये वायरलेसली कनेक्ट कर लीजिए पासवर्ड डाल के। पासवर्ड का मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि इस प्रिंटर के पीछे एक सीरियल नंबर का टैग लगा होगा, तो वो जो सीरियल नंबर है वही इस प्रिंटर का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। तो चलिए दोस्तों, ये मैं अब सीडी इंसर्ट कर रहा हूँ, सीडी ट्रे निकाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं सीडी इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ ट्रे में। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आप लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करेंगे वायरलेसली अपने इस प्रिंटर के ड्राइवर कैनन पिग्मा Z3000 के। तो अब जैसे ही मैंने ये सीडी एंटर की, यहाँ भी कुछ नहीं आ रहा था। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ कैनन IJ और 496 MB दिखा रहा है। तो अब आप ये देखिए, इस तरह का लोगो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली डबल क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ इस तरह का कुछ यूज़र इंटरफेस आएगा, तो वहाँ पे आप सिंपली यस कर देना। जैसे ही आप यस कर देंगे, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, ये यहाँ पे सेटअप ओपन हो गया है। अब सेटअप ओपन होने के बाद में आपके स्क्रीन पे इस तरह का कुछ सेटअप दिखाई देगा। तो ये है मेन सेटअप। आपको करना है ये, यहाँ यूज़ द अपडेट सॉफ्टवेयर फाउंड ऑन इंटरनेट, ये आप इसको अनमार्क कर दीजिए। यहाँ स्टार्ट सेटअप पे सिंपली क्लिक कर दीजिए। यहाँ फिर कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद सिंपली नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ये यूज़र एग्रीमेंट, लाइसेंस वगैरह ये कुछ पूछेगा। तो उसके बाद भी आप सिंपली यस कर दीजिए। इसे पहले पढ़ लीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। उसके बाद एग्री पे जैसे क्लिक करेंगे तो एग्री, अब ये कहेगा प्रोसेसिंग, प्लीज़ वेट। तो दोस्तों, ये एक लेंदी प्रोसेस है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने ये कैनन का कोई भी वायरलेस प्रिंटर लिया है, तो ये जो कैनन का पिग्मा प्रिंटर है, ये आप मोबाइल से कनेक्ट कर लेंगे तो आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट आधे घंटे के आसपास लग जाएगा ये सब कुछ डाउनलोड और इंस्टॉल होने में।
तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ आ गया स्क्रीन पे, प्लीज अलाउ एक्सेस ऑल विजार्ड, परमिट अलाउ यस अनब्लॉक, तो यहाँ नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ दोस्तों मैं आपको यूएसबी से कनेक्ट करके नहीं दिखा रहा, यूएसबी से कनेक्ट करना चाहते हैं आप, वायरलेसली कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ यूएसबी पे आप क्लिक कर लेना और अपने प्रिंटर के अंदर जो यूएसबी केबल है वो डालना और उसको अपने लैपटॉप के अंदर कनेक्ट कर देना, तो ये यूएसबी से कनेक्ट हो जाएगा। मैं आपको वायरलेसली कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले इसको वाईफाई से यहाँ, जैसे कि आपने देखा, यहाँ कनेक्ट कर लिया है। तो अब यहाँ सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए कनेक्ट हुआ वायरलेस रोटर रिकमेंडेड, तो आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन भी है तो आपको डायरेक्ट पे नहीं जाना है, यही करना है। तो उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह का ऑप्शन आएगा, ये कहेगा पावर ऑन कर लो आपके प्रिंटर का, तो हमने पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये प्रिंटर डिटेक्शन कर रहा है, प्रिंटर को सर्च कर रहा है कि भाई प्रिंटर का जो वायरलेस कनेक्शन के थ्रू प्रिंटर के वाईफाई से और ये लैपटॉप के वाईफाई से, इसको सर्च कर रहा है कि प्रिंटर कहाँ है। अभी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, कौन सा क्या है। अब यहाँ एक नेटवर्क की लिस्ट आ जाएगी तो उससे आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। तो ये अभी प्रोसेस में है दोस्तों, मैं इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ। इस जो प्रोसेस अभी आपने देखा स्क्रीन पे, जो वो प्रोसेस को मेरे सिस्टम में 3 से 4 मिनट लगे हैं ये पूरा, ये नेक्स्ट पेज आने में। हो सकता है ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है, आपके सिस्टम के हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके आपका प्रोसेसर अच्छा है, i7 वगैरह है, तो हो सकता है और फास्ट हो जाए। तो दोस्तों जी, ये नेक्स्ट पेज है। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, प्रिंटर और नेटवर्क लिस्ट, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपका प्रिंटर का सीरियल नंबर है, यहाँ आगे के कोड ऑटोमेटिकली हाइड हो रखे हैं और यही आपका पासवर्ड भी रहेगा वाईफाई से जब आप कनेक्ट करते हैं। ये इस प्रिंटर की जो वाईफाई है उसकी डिफ़ॉल्ट आईपी इसके अंदर सेटअप है और ये आपके प्रिंटर का मैक एड्रेस है। तो चलिए दोस्तों, इससे कैसे लॉगिन करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप जानना चाहें तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। आईपी लॉगिन करके आप प्रिंटर की कई सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप फ़ोन में भी कर सकते हैं। तो ये सेटअप पे आप यहाँ सिंपली क्लिक कर दीजिए, यहाँ अपडेट पे आपको क्लिक नहीं करना है, अपडेट करेंगे तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी और जबकि ये प्रिंटर वाईफाई से कनेक्ट है तो मेरा नेट चलेगा नहीं क्योंकि ड्यूल इसमें वाईफाई ऐसा सेटअप है नहीं। तो यहाँ सिंपली नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, तो जैसे ही नेक्स्ट पे करेंगे तो ये थोड़ा और टाइम लेगा इस तरह के। ये देखिए इंस्टॉलिंग एमपी ड्राइवर अबाउट 2 मिनट अंटिल कम्प्लेक्शन माई इमेज, यहाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा। ये इंस्टॉलिंग कर रहा है, ये प्रिंटर के जितने भी ड्राइवर्स वगैरह है, ये एमपी ड्राइवर्स हम यहाँ देख रहे हैं, ये एमपी ड्राइवर्स यहाँ इंस्टॉल हो रहे हैं, तो ये सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल होंगे। तो आप इसको इजीली वायरलेसली प्रिंट दे सकते हैं लैपटॉप कंप्यूटर से। लेकिन दोस्तों मैं आपको पर्सनली बताऊं, मेरे को इस प्रिंटर को मोबाइल से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान लगा और वो जल्दी 5 मिनट में हो गया था ऑलमोस्ट। बाकी अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखे हैं कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे सही तरीका, कैसे आप कैनन के पिज्मा Z3000 से इजीली प्रिंट ले सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें, वीडियो अनबॉक्सिंग का वीडियो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो वो आप ज़रूर देखिए। कैनन के पिग्मा Z3000 का अनबॉक्सिंग का वीडियो भी है और यहाँ आपको उसका सेटअप का भी वीडियो है, कैसे आप सेफ्टी सील हटाएंगे और कैसे बाकी चीज़ें रिमूव करेंगे, प्रॉपरली सेटअप करेंगे। और इससे पहले मैंने इसमें प्रिंट कैसे लेते हैं वो सब बताया था, मोबाइल से कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी बताया, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों ये नेक्स्ट पेज ये आ गया है, प्रोसेसिंग प्लीज़ वेट दिखा रहा है यहाँ पे और ये चलता रहेगा। तो मैं अभी दोबारा इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज आएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट पेज पे पहुँच गया हूँ, और
जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे इस तरह का आपको पेज दिखाई देगा, प्रिंट हेड अलाइनमेंट रिकमेंडेड। तो यहाँ आप सिंपली नेक्स्ट कर दीजिए क्योंकि और कोई ऑप्शन आ नहीं रहा। तो जैसे ही आप यहाँ नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे ये देखिए टेस्ट प्रिंट पेज। तो अगर आपको प्रिंट पेज टेस्ट करना है तो आप सिंपली एग्जीक्यूट कर दीजिए कि आपका प्रिंटर प्रॉपरली वायरलेसली कनेक्ट हो गया है या नहीं हो गया है। अभी आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सेम पेज प्रिंटआउट निकलेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद इसका प्रिंट का सेटअप आएगा, कैसा पेज देना है, कलर ब्लैक एंड वाइट जो भी। तो वो अगर सेटअप आए तो ठीक है, नहीं आए तो आप सिंपली एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंटर से एक टेस्टिंग का पेज निकल जाएगा। अगर आप टेस्टिंग नहीं करना चाहते तो यहाँ लिखा है सिंपली नेक्स्ट कीजिए, तो मैं यहाँ सिंपली नेक्स्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये करके देख चुका हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ सेटअप ये 100% कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आप सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए, और नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपली इंस्टॉल कर दीजिए। तो मैं आपको नेक्स्ट करके दिखा देता हूँ इसमें और कौन कौन से सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ यूज़र मैनुअल है, माई प्रिंट गार्डन है, और ये क्विक मेन्यू है, और इजी वेब प्रिंट है, और वगैरह वगैरह। तो अगर आपको ये करने हैं तो ये 15 से 20 मिनट का ये और टाइम लेंगे, नहीं करने हैं तो यहाँ बैक टू टॉप जाइए और यहाँ सिंपली एग्जिट कर दीजिए। तो अब यहाँ दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं प्रिंटर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हैं इस प्रिंटर में। अब आप उसे प्रिंट कैसे लेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे आप इसमें प्रिंट ले सकते हैं। सॉरी दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, उसके लिए दोस्तों शॉर्ट में ये सारी चीज़ें मैं आपको बता नहीं पाता क्योंकि 10 से 15-20 मिनट इस सेटअप को लग जाते हैं, और अगर आप वो बाकी सारे ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करते तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में अगर आपने ये ड्राइवर्स इंस्टॉल किए हैं तो अब आप उससे प्रिंट कैसे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेस्कटॉप पे तो कोई आइकन आया ही नहीं कैनन का। तो ये विंडो 10 सिस्टम है दोस्तों, अगर आपके पास इससे कोई लोअर वर्जन है, विंडो 8 में भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, और विंडो 8 से नीचे 7 या XP है तो वहाँ आपको ऑल प्रोग्राम मिलेगा, इस तरह का आइकन मिलेगा। तो यहाँ दोस्तों मैं सबसे पहले बता देता हूँ स्कैन यूटिलिटी। तो स्कैन करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऑटो स्कैन, तो ये ऑटो पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगा, और कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना है PDF वगैरह तो वो आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, फ़ोटो करना तो यहाँ से। तो जैसे ऑटो पे मैं आपको सिंपली जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा। डॉक्यूमेंट करना है तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए, कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करना है तो उसको आप कैनन के पिग्मा Z3000 जो प्रिंटर है उसके अंदर रख दीजिए और वो ऑटोमेटिकली यहाँ से इसके हिसाब से स्कैन कर लेगा। यहाँ दोस्तों इंस्ट्रक्शन दिए हुए, आप उसे पढ़ लीजिए, आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या स्कैन करना है। यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, यहाँ ऑटो स्कैन कैसे कैसे क्या सेटिंग्स होती है, और अप्लाई रिकमेंड इमेज करेक्शन, अगर इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो ये रिकमेंडेड है तो आप क्लिक कर दीजिए तो आपकी क्वालिटी और अच्छी आएगी। और यहाँ सारे फाइल का नेम क्या रखना चाहते हैं, जो भी डिफ़ॉल्ट फाइल स्कैन होगी उसकी, और डाटा फॉर्मेट ऑटो रखना चाहते हैं, JPG इमेज क्वालिटी हाई रखना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्टैंडर्ड पे रखिए। और यहाँ दोस्तों एक ऑप्शन नीचे और आ रहा है, ये बाई डिफ़ॉल्ट क्लिक रहेगा, अगर क्लिक नहीं होता तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। अगर आप कोई PDF स्कैन करते हैं तो वहाँ सपोर्ट कीवर्ड सर्च, यानी PDF में कुछ लिखा हुआ है तो जैसे मान लीजिए कोई भी मेरा ही नाम लिखा हुआ है विक्रम सिंह, तो मैं उस PDF में कंट्रोल एफ करके सर्च करूँगा विक्रम सिंह तो वो सर्च हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन ऑन नहीं होगा तो वो सर्चेबल कीवर्ड सर्च ऑप्शन उसमें इनेबल नहीं हो पाएगा। इसी तरह डॉक्यूमेंट स्कैन में भी सेटिंग्स हैं, यहाँ DPI वगैरह रिजोल्यूशन वगैरह है, आप इसको यहाँ से 300 से 600 DPI पे ले जा सकते हैं। 300 वैसे डिफ़ॉल्ट DPI है और अच्छा रिजोल्यूशन एक माना जाता है। वैसे ही फोटो स्कैन, कस्टम स्कैन और ये सारे स्कैन आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद सिंपली आप ओके कर दीजिए यहाँ सारी सेटिंग देखने के बाद, और ये स्कैन की सेटिंग इस तरह से आप स्कैन कर सकते हैं। अब दोस्तों कोई PDF फाइल है आपको उसका प्रिंट लेना है तो यहाँ कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं, आपको सिंपली वो फाइल ओपन करनी है, क्योंकि प्रिंटर ये आपके लैपटॉप या आपके प्रिंटर से कनेक्ट हो गया है तो
ये देखिए दोस्तों, ये एक पीडीएफ फाइल है। अब मुझे इसका प्रिंट लेना है, तो यहाँ सिंपली प्रिंट पे क्लिक कीजिए या कंट्रोल पी कीजिए। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो यहाँ ये नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रिंट कैसे आएगा। तो यहाँ अभी जैसे नॉट रेस्पॉन्डिंग आ गया, तो थोड़ा कभी हो सकता है पीडीएफ फाइल थोड़ी क्या हैवी होती ना दोस्तों, इसीलिए ये थोड़ा बहुत कभी कभार हैंग कर सकता है, लेकिन ये कुछ ही सेकंड में ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो जैसे ही प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह का ये सर्किल जो घूम रहा है, ये थोड़ी देर कुछ सेकंड के लिए घूमेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई कमेंट या सवाल हो इस वीडियो के बारे में, तो आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर लिखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। और जो लोग इस तरह के प्रिंटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, और वीडियो लंबा हो गया उसके लिए अगेन सॉरी दोस्तों, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको 2, 4, 5, 10 मिनट में नहीं बता पाऊँगा, इसीलिए ये इस तरह की वीडियो लंबा हो गया है। तो दोस्तों, ये अभी ऑलमोस्ट हैंग हो रहा है, तो चलिए दोस्तों मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ एक दूसरा प्रिंट, ये इमेज है, ये कोई डॉक्यूमेंट है, हम इसका प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ जैसे ही मैंने इसको प्रिंट किया, यहाँ ऑटोमेटिकली प्रिंटर प्रिंटर का सेटअप आ गया, प्रिंटर का नाम आ गया। अब यहाँ पे ये कॉपीज़ है, आप कॉपीज़ सेलेक्ट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी कॉपीज़ करनी है। यहाँ प्लस माइनस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पेज की सेटिंग कर लेना दोस्तों, पेपर ग्लॉसी, अगर फोटो प्रिंट देना है तो ग्लॉसी पेपर, और या नॉर्मल फोटो ग्लॉसी फोटो पेपर है तो जो भी पेपर है, यहाँ आपको काफ़ी सारे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी पेपर है, जैसा भी पेपर है, आपको अगर नहीं पता है किस तरह का पेपर है, तो आप नॉर्मली यहाँ प्लेन पेपर पे सेलेक्ट कर लीजिए और उसके अंदर वाइट पेपर डाल दीजिए। बाकी ग्लॉसी पेपर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पेपर का मार्जिन पूछा है, नॉर्मल यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में थोड़ा अलग तरीके से आप कस्टमाइज हो जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा। अब यहाँ पेपर की सेटिंग है, श्रिंक टू फिट पेज या फिल पेज, पूरा पेज भरना है तो। और उसके बाद दोस्तों, आप जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे, आपके प्रिंटर से प्रिंट आ जाएगा। तो ये तो था इमेज को क्लिक करने का। अब यहाँ सेम ये पीडीएफ फाइल ओपन हो गई है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, और इसके बाद यहाँ पे आप यहाँ कॉपी की क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं, सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब ये पेपर का ओरिएंटेशन यहाँ ऑटो है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऑटो ही रहने दीजिए, इससे ये पेज ऑटोमेटिक और पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ऑटोमेटिक शेप में ले लेगा। इसके अलावा और भी कई सेटिंग है दोस्तों, ये सिंपली ये जो मेन मेन सेटिंग हम लोग जो नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने घर में, और वही सेटिंग मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद यहाँ प्रिंट करेंगे तो ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा आपके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कैनन का पिग्जमा Z3000 प्रिंटर का लैपटॉप को वाईफाई लैपटॉप वाईफाई से अपने पिग्मा Z3000 प्रिंटर को कैसे कनेक्ट करते हैं ये सेटअप पता लग गया होगा, कैसे प्रिंट देते हैं ये भी पता लग गया होगा। और अभी भी आपके मन में कोई कमेंट है या सवाल है, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछना मत भूलना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगेन दोस्तों सॉरी, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है उसके लिए, और इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।